तो अगर आप इंस्पेक्टर दया को देखना पसंद करते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एपीएम पिक्सेल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको क्रिकेट, पॉलिटिक्स, बॉलीवुड सीरियल्स, इन सबसे जुड़ी जो ताज़ा खबरें होती है वो सबसे पहले देखने को मिलती रहेंगी। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, CID का शो जो कि अक्टूबर 2018 को बंद हो गया था यानी TV से ऑफ एयर हो गया था, वो बहुत ही जल्द वापस आने वाला है सोनी एंटरटेनमेंट टेलीवीजन पर। जी हाँ दोस्तों, और शो का नाम होगा CID 2, और इसमें आपको SCP प्रद्युमन, इंस्पेक्टर दया, इंस्पेक्टर अभिजीत, ये सब देखने को मिलेंगे। इसी के साथ दोस्तों CID टीम का और एक शो आएगा जिसका नाम होगा CIF, और ये जो शो है ये आएगा दंगल टेलीविजन पे, और इस पर आपको CID के सारे किरदार जो है वो देखने को मिलेंगे पुलिस की भूमिका में। लेकिन दोस्तों एक बैड न्यूज़ ये है कि इसमें आपको SCP प्रद्युमन जो है वो देखने को नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों ये तो हो गया आने वाले सीरियल्स की बात, लेकिन अभी अभी एक न्यूज़ सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है जिसमें यह बताया जा रहा है कि CID के जो CID के जो इंस्पेक्टर दया है उनकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं सच्चाई क्या है, बिकॉज ये न्यूज़ सुनने के बाद मैं भी पूरी तरह से शॉक हो गया था कि इंस्पेक्टर दया की मौत जो है वो कैसे हो सकती है। तो दोस्तों मैंने अपने तरफ से पता किया CID के जितने भी ऑफिशियल वेबसाइट से, और जो दया सर के इंस्टाग्राम अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट है, वहाँ पे जाके मैंने चेक किया, तो मुझे जो पता चला वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों इंस्पेक्टर दया की मौत की खबर पूरी तरह से फेक है, ये सोशल मीडिया पे कुछ लोग ये न्यूज़ फैला रहे हैं, आपको इन पर बिल्कुल भी भरोसा करने की ज़रूरत नहीं। इंस्पेक्टर दया जो है वो पूरी तरह से सही सलामत है, और CID 2 की शूटिंग जो है वो जोर शोर से कर रहे हैं, और बहुत ही जल्द आप उनको देखने को मिलेगा CID 2 में। तो दोस्तों कुल मिला के बात यह है कि जो इंस्पेक्टर दया है वो पूरी तरह से ठीक है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ ये जो वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो को कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर। तो मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।